तो नए कलेक्टर और नए एसपी दोनों को आपके सामने कार्यभार सौंप रहा हूं। मैहर जिले की पहली कलेक्टर होंगी रानी बाकड़ जी। रानी आ जाए, आपका स्वागत और शुभकामनाएं। और ये मैं रानी का पहली कलेक्टर का तो शुभकामनाएं दे रहा हूं आप सबकी ओर, आपको शुभकामनाएं। मैहर जिले में बहुत अच्छा काम आप करें और जनता की सेवा करते रहे। यहाँ एसपी होंगे मैहर जिले के पहले एसपी सुधीर अग्रवाल, उनका भी आप स्वागत करें, पहले एसपी मैहर जिले। मैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं, कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे और जनता की सेवा होती रहे। और ये माँ के चरणों में अर्पित करने के बाद मैहर जिला आपको समर्पित कर रहा हूं, जनता जनार्दन को समर्पित कर रहा हूं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मेरे मंत्री भाई राम खिलावन जी, हमारे सांसद आदरणीय गणेश जी, बम बम महाराज जो हमारे पुजारी है, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष भाई सतीश शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन जी, और हमारे यहाँ से पूर्व से ही घोषित उम्मीदवार और समाज सेवी श्रीकांत चतुर्वेदी जी, कमलेश जी, रामकृपाल पटेल जी, रविनंदन जी, गगनेन्द्र जी, सुष्मिता जी, शीतल जी, विजय जी, भाई संजय राय जी, विष्णु जी, राम सुशील जी, हमारे सभी महेश अजानी जी, विकास जी, सुजीत जी, सभी मंडल अध्यक्ष रामानंद जी, सचिन जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और सभी भांजे भांजियों, आप सबको शीश झुका के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज केवल मैहर जिला अकेला नहीं बन रहा है, मैहर वालों, मां शारदा की असीम कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद आप सब पर बरस रहा है और मुझ पर भी उन्हीं की कृपा रहती है। और इसलिए जैसा भी हमारे सांसद जी कह रहे थे, जैसा भी मंत्री जी कह रहे थे, श्रीकांत चतुर्वेदी जी ने कहा, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, मैहर में माँ के चरणों में अब माँ का भक्त शारदा लोक बनाया जाएगा। जरा जोर से ताली बजाओ, माँ का लोक बने। बोलिए शारदा मैया की, मैहर वाली मैया की। मंत्री जी, सांसद जी, कलेक्टर यहां पे हैं, हमारे अनुराग अभी रानी चार्ज ले रही है। यहां मुझे जमीन चाहिए जो शासकीय हो, किसी को उजाड़ना ना पड़े, कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई की रोजी रोटी जाए, क्योंकि माँ के लोग के लिए पैसा मैंने सुरक्षित रख दिया है आचार संहिता के पहले ही। और स्वरूप बनाने के लिए विशेषज्ञों को काम सौंप दिया, वो पहले इसकी आउटलाइन बनाएंगे और उसके बाद आपसे सलाह करेंगे, अंतिम रूप देंगे। लेकिन एक काम जिसकी घोषणा पहले हो गई, वो चुनाव की घोषणा के कारण रुकेगा नहीं, वो काम चलता रहेगा। और मैहर वाले बहनों, ये जो कुछ हो रहा है, ये बीच में नहीं आती थी, बीच में नहीं, माँ के काम में गड़बड़ मत करो, नहीं मामा गुस्सा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बाद में करना, भी माँ के काम की बात हो रही। तुम भी बोलो शारदा मैया की, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं तो देखो सरकार बरकार थोड़ी हूं, मैं तो परिवार हूं, परिवार सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। अच्छा आप ही बताओ, ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, मैंने किए हैं, हमारी टीम ने किए हैं, ईमानदारी से बताना, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? पीछे तक जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? अभी काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। मैहर के ही काम, दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी यहीं से हर की बॉडी बनेगी भव्य, टनल का काम पूरा हो रहा है, हर की बॉडी। अरे नर्मदा मैया का पानी, ये भी सुन लो,
नर्मदा मैया का पानी सीधे गंगा मैया तक ले जाने का चमत्कार भी करने का सौभाग्य माँ ने हमें दिया। नर्मदा बेसन, गंगा बेसन तक पानी किसानों के खेतों में पानी, और मेरी लाडली बहनाओं तुम्हारे घरों में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देने का संकल्प किया है। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गगरा बर्तन सब भर जाएंगे, हैंडपंप से लटकना नहीं पड़ेगा। मेरी बहनों जरा बताना, मेरी बहन कभी सोचा था कि कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो घर टोटी वाला नल लगा देगी? नहीं तो हैंडपंप पर दिन भर भरते रहो पानी, भरते रहो पानी, भरते रहो पानी। मेरी बहनों हर एक के घर में नल लगेगा, पानी भरने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पीने का पानी किसान के खेतों में, अभी मंत्री जी सांसद जी बता रहे थे, मेरे किसान भाइयों ये संकल्प है, सारा लोगों में खड़ा हूं, हमारी कोशिश आगे भी ये होगी कि कोई खेत बिना सिंचाई के ना बचे, हर खेत में सिंचाई का पानी। रामनगर योजना हमारी माइक्रो इरिगेशन की लगभग कंप्लीट हो रही है, इसके बाद भी पानी की कमी नहीं है, और पानी खींचूंगा। पहले अपन नहर से पानी ले जाते थे, नहर से, अब नहर से थोड़ी, अब तो बांधों में पाइपलाइन बिछाओ, शक्तिशाली मोटर लगाओ और मोटर चलाओ और किसान के खेत में पानी ले जाओ, ऊंची नीची जमीन पे भी पानी ले जाओ, ताकि ऊंची नीची जमीन में भी पानी जाओ। अभी कल के दिन ही आज ही आपने पानी की योजना समर्पित की है 247 गांव, 247 गांव, 287 गांव, घर घर पीने का पानी आएगा। बाण सागर से दूसरी योजना पे काम शुरू हो गया है, और कल ही मैंने 53,000 करोड़ रुपए के विकास के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न किया है। ये कमलनाथ मुझ पे आरोप लगाते हैं, जब मामा तो नारियल लेकर घूमता रहता है, हर कहीं घोषणा कर दी और नारियल फोड़ दिया। कमलनाथ जी हम फोड़ेंगे नारियल, आज हमने जिले का नारियल फोड़ दिया। अरे फोड़ दिया कि नहीं फोड़ा? अरे फोड़ दिया कि नहीं? आज जिले का नारियल फोड़ रहे हैं, सारदा रोड का नारियल भी फूटेगा, हर की पौड़ी का नारियल भी फूटेगा। यहाँ जिला